Sir, FIR? What is it, sir? My lord, FIR is under Section 376. I mean, FIR? What letter? My lord, it is an action. E two. E two man. two Okay. My lord, it is registered on the basis of a written application. My lord. So may I read the FIR, my lord? This is at page number ten. Page number ten, ma'am. Aha. Uh -huh. so, may I read this, one. lord? Aha. मैं महिला थाना भोपाल में निरीक्षक पद पर पदस्थ हूँ फरियादिया रंजिता पटेल सोएंसो ने अपने पिता नारायण पटेल के साथ थाना उपस्थित आकर एक टाइपशुदा आवेदन पत्र में अपने नरेश राजौरिया द्वारा मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी के संबंध में लेख कर दिया है फरियादिया रंजना पटेल द्वारा कानूनी कार्यवाही चाहने पर फरियादिया के आवेदन पर से धारा तीन सौ छिहत्तर पांच सौ छह भादेवी का पाया जाने से कायम कर विवेचना में लिया गया श्रीमान सो मैं रंजना पटेल पिता नारायण पटेल उम, उम्र पैतीस साल निवासी ग्राम मंगरोल थाना बरेली जिला रायसेन की निवासी हूँ तथा मैं एक पेड़ से विकलांग हूँ द एप्लीकेंट इज आल्सो हैंडीकैप्ड मैलर मैंने मेरे गांव का नरेश राजौरिया पिता सुरेश राजौरिया से आज से लगभग चार वर्ष पूर्व मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था जिसे मैंने अस्वीकार कर दिया था तो मैंने उससे कह दिया था कि मेरे घर वाले जहां कहेंगे मैं वहीं शादी करूंगी फिर नरेश ने मेरे घरवाली से मुझे शादी करने के संबंध में बात की थी तो उन्होंने दूसरी जाति का होने के कारण इंकार कर दिया था फिर नरेश मुझसे बातचीत करने लगा और मेरे घर आने जा, आने जाने लगा दिनांक तीन बारह बीस को इस इस दिस दिस डेट इज बिकॉज़ आफ्टर टू टूर्स मैलोट तीन ग्यारह दो हजार बीस को मैं शॉपिंग करने के लिए भोपाल आई थी तब नरेश कुमार भोपाल बस स्टैंड पर मिला और मुझसे कहा कि मेरी बहन के घर चलते हैं और मैं उसकी बहन के घर जाने के लिए तैयार हो गई थी किंतु नरेश मुझे उसे बहन के घर ना ले जाकर अवनी पैलेस होटल अशोका गार्डन लेकर गया और वहां मेरे साथ जबरदस्ती तो वी मना किया तो मुझे नरेश जान से मारने की धमकी देने लगा और मेरे साथ जबरदस्ती करने के बाद नरेश ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा तुम इस घटना के बारे में किसी को कुछ मत बताना और अगर तुमने थाने में रिपोर्ट की तो तुम्हें बदनाम हो जाओगी और फिर तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा इसलिए मैंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की इसके बाद मैंने नरेश से शादी करने के लिए कहा तो नरेश ने मुझसे कहा कि मेरी बहन की शादी होने के बाद मैं घर वालों से बात करके शादी कर लूंगा इस प्रकार नरेश टालमटोल करता रहा जब मैंने दिनांक 18 तीन 2022 हजार बाईस दो साल बाद नरेश से शादी करने का दबाव बनाया तो उसने मुझसे स्पष्ट इनकार कर दिया मुझसे कहा कि मेरी शादी कहीं और तय हो चुकी है अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा इसके बाद मैंने अपने माता पिता तथा घर वालों को नरेश द्वारा मेरे साथ किए जाने की घटना के बारे में

The FIR, my lord, is delayed by more than two years, my lord. Mm -hmm. Second is that, my lord, the respondent number two, my lord, she is a major woman, my lord, aged about thirty-five years, my lord. I am ten years younger to him, my lord. and only because, my lord, I am uh, in a government service, my lord, she is compelling me to marry her, my lord. By the time, my lord, I was married, which is uh, there in her statement, uh, police statements, my lord, and, my lord it was a cons if there was a relationship it was consensus, my lord in mlc my lord, uh, uh, no evidence of any kind of sexual so assault. and there is no, no such in my lord, the case is that my lord, i was ready to marry she denied her parents denied my lord. so how it is possible that when i was trying to marry my lord mm -hmm. and they refused it was converted into a case of rape my lord mm -hmm. जी सर आर स्टेटमेंट्स बिफोर कोर्ट आर आल्सो रिकॉर्डेड माय लॉर्ड इन व्हिच शी हैज गिवन वेरी वाइटल एडमिशंस माय लॉर्ड दैट शी वाज दैट एस्पेक्ट कैन नॉट बी लुक्ड इन सो एनी जजमेंट्स इन योर फेवर माय लॉर्ड देयर आर सेवरल जजेस माय लॉर्ड बट आई रिलाय ऑन दिस माय 2013 क्रिमिनल लॉ जनरल 3839 प्रशांत भारती वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी It was uh, held at lord, when the relationship is consensuous. A consented relationship cannot be converted into a case of rape my lord. Right, sir. The second is my lord 2020, Criminal Law General 3716, Anand Kaushal versus State. In this also my lord, it was held that when the initial consent was there,

हुँ? थोड़ा सा स्कोर एलेबोरेट कर दीजिए सर अरे वहां से नहीं मिलेगा कानून से मिलेगा आप, आप एफ आई आर में कहा ढूंढो रहे हो शादी का झांसा दे के रेप करना या फिजिकल रिलेशनशिप बनाना रेप की कैटेगरी में कैसे आएगा इस पर थोड़ा सा लीगल आर्ग्यूमेंट्स कर दीजिए मेरी शक्ल पे थोड़े कुछ लिखा है जो कुछ भी लिखा है या तो आईपीसी में लिखा है या एस सी सी या ए आई आर या दूसरे जर्नल्स में लिखा है हुँ? कौन सा सेक्शन कहता है सर कुछ आईपीसी में जिससे कि आपका आर्गुमेंट को सपोर्ट मिले नहीं पता अरे आईपीसी दे दो ना यार हाँ चले गई है पी सी आप लोगों के उधर चले गए सर इसमें ऐसा कौन सा सेक्शन है जिससे आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट मिलेगा 76, ओ भाई साहब शांति सा कौन सा सेक्शन है जिससे कि आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट मिलेगा आईपीसी में मिलेगा कि सीआरपीसी में मिलेगा कि एविडेंस एक्ट में मिलेगा ये भी बता दीजिए सो थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्या पास ओवर कर देना है यार

therefore the case under section 420 cannot be No no he submitted something in his defence or to demolish your case कि that it was obtained by I giving a false I mean, my only question to him is कि I mean, that I mean, what is the provision of law to substantiate his arguments वो नहीं पता पा रहे हैं I mean, तो हम high court में बैठ के ये level का argument सुन रहे हैं sir इसके बारे में आप लोगों के क्या विचार हो हम hmm? क्यों सर अनुवाद जी <laughs> देखिए उनका आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा वो बात तो अलग ही पता है आप जो कह रहे हो आप उसके लिए सब बताओ तो सही कि क्यों वो भी नहीं है चलो रखो देखते के